नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी पटना में सड़क किनारे दिवाली को लेकर बाजार सज चुका है। बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पटना के बेली रोड के फुटपाथ पर सजावटी सामानों की दुकान सज कर तैयार हो गए हैं, जो राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लोग घर सजाने के सामान के साथ साथ मिट्टी के तरह तरह के दिए और लाइट की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि इस बार बाजार में महंगाई ज्यादा है, जिसके कारण लोगों को सामान की खरीदारी में भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेली रोड से दिवाली की तैयारियों का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। दीपावली को लेकर बेली रोड पे मार्केट जो है सजधज के तैयार है और देखिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। आज धनतेरस है और लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है सामानों को खरीद रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये दीपावली की खरीदारी हो रही है। यस सर। क्या क्या खरीदे अभी तक? अभी तक तो ये फूल पत्ते खरीदे और एक ये ले रहे हैं दीवार सोफा के लिए। जी, तो क्या क्या मैम खरीदी अभी तक? जो भी बताया सब कुछ साथे में है। तो क्या क्या खरीदने का ही रहता है? सोवती है, जा रहे हैं दुकान उकान में, देखते हैं क्या क्या मिलता है। किस तरह की तैयारी है दीपावली की? बहुत अच्छा है। देखिए दीपावली की अच्छी तैयारी और देखिए तमाम लोग जो हैं सामान खरीद रहे हैं। चलते हैं बात करते हैं कि क्या क्या खरीदारी हो रहा है। देखिए मिट्टी के जो ये है दिया है वो यहाँ पर है और काफ़ी सुंदर सुंदर दिया है। भगवान गणेश की बात की जाए, माता लक्ष्मी की बात की जाए, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ जो हैं वो हैं यहाँ पर। और देखिए सजावट के सामान भी काफ़ी है और सजावट के सामान देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको काफ़ी दीपावली के लेकर खुशी रहती है, तो वो लोग भी काफ़ी कुछ हैं ये दीपावली के लेकर खरीदारी कर रहे हैं। हाँ सर, क्या क्या खरीदे अभी? वही गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो और जो पूजा सामग्री होती है वही ले रहे हैं। वही ले सर, देखिए तो जैसे कि बताया कि छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी कुछ खरीदते हैं। क्या क्या आपने खरीदा है और क्या खरीदना है? और कुछ नहीं खरीदना है। पटाखे? हाँ पटाखे। कोशिश करें कि इको फ्रेंडली यूज करें, जैसे प्लास्टिक्स की जगह पे पेपर यूज कर रहे हैं, हैंडमेड दिया यूज कर रहे हैं, वैक्स है, सब कैंडल्स सब अवॉइड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि घर को तो साफ रखें ही साथ में आसपास भी साफ रखने की कोशिश करनी। ये नहीं कि साफ किया घर को और बाहर कचरा फेंक दिया उठा, सो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो नीट एंड क्लीन रहे। इस दीपावली में जिस तरह से समाज में बहुत लोग बहुत चीज़ है तो मन को भी साफ रखना जरूरी है। जी सही बात है सर, ये सही है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, आसपास के लोग, हमारे कंट्री के लिए, एवरीथिंग, ये सब चीज़ के लिए अच्छा सोचना है। आप देख सकते हैं कि लोग खरीदारी किस तरह से कर रहे हैं और अभी हम आपको आगे ले चलेंगे क्योंकि बेली रोड पर जो है लंबी दुकानें लगती हैं, इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर मार्केट में सामान लेकर आते हैं और काफ़ी लोगों को सहूलियत होती है यहाँ पर सामान खरीदने के लिए और तरह तरह के सामान जो है लोगों को मिल जाते हैं। कमन अभिषेक के साथ रूपेन श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। पटना विमेंस कॉलेज के पास भी दीपावली को लेकर बाजार सजधज कर तैयार हो गया है। खासतौर पर यहां राजस्थान और यूपी के दुकानदार बाजार लगाने पहुंचे हैं। यहां एक ही जगह पर दीपक और पूजा पाठ के सामानों से लेकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और तरह तरह के सजावट के सामान भी मिल रहे हैं। दुकानदारों ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए पूजा के सामग्रियों की पोटली भी तैयार की है। मौके का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव ने। दीपावली को लेकर पटना के सड़कों पर बाजार सजधज के तैयार हो गए हैं। अभी हम पटना के हाई कोर्ट के ठीक सामने वुमेंस कॉलेज के पास हैं और देखिए यहाँ पर मार्केट सजधज के तैयार हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और देखिए किस तरह से पूरे सड़क के किनारे दुकान लगा दिया गया है और लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। सर क्या क्या खरीदा है अभी आप? खरीदे हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी, उनका कपड़ा, तेल, फूल माला। और दिवाली की कैसी तैयारी चल रही है? वो एकदम फुल स्पीड में तैयारी चल रहा है एकदम। और क्या क्या लेना है अभी? और लेना है मिठाई वगैरह लेंगे। मिठाई लेनी है। देखिए दुकान सजधज के तैयार हैं
और देखिए स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी अपने आवश्यकता के अनुसार सामान को खरीद रहे हैं। और देखिए दीपावली की कैसी तैयारी है? अच्छी। क्या क्या खरीदा? अभी तो कुछ खरीदा नहीं है। क्या क्या देख रहे हो अभी? मतलब ऐसे कुछ दरवाजे पर लगाने के लिए, यही सब के लिए देख रहे हैं। पटाखे भी लेने हैं? लेने इस बार सोच रहे नहीं लेंगे, क्योंकि मतलब उतना मजा नहीं आता पटाखे फोड़ने में। कुछ नहीं अभी तक तो कुछ नहीं खरीदे, अभी तो बस देख ही रहे हैं। कैसी तैयारी कर रही है? वही पॉल्यूशन फ्री रहना चाहिए बस, साथ में यही गिफ्ट दीजिए एक दूसरे को, साथ में बस रहिए फैमिली के साथ, हो गया। तो मम्मी पापा से क्या क्या बातें हुई और कैसे तैयारी? मम्मी को कन्विंस करने में टाइम लगा, बट मिल गया पैसा और खरीद लिया सामान वगैरह। क्योंकि स्वागत के लिए कुछ रंगोली बनाएंगे उसको सजाने के लिए, और बस, और दिए के लिए सुंदर सुंदर दिए लेने हैं तो, और लक्ष्मी पूजन का सामान। बस आज धनतेरस की है शॉपिंग। पटाखे नहीं, बच्ची जल जाती है, अभी बहुत छोटी है, और हमारे पास एक छोटा लैब भी है वो भी बहुत डर जाता है, तो हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। पूजा का सामान हो रहा है, डेकोरेशन का सामान। इसके बाद का प्लान? इसके बाद क्या लेना है? क्रैकर्स, पूजा के सामान, डेकोरेशन वगैरह, यही सब हो रही है तैयारी। इस बार नहीं, ये नहीं लग रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार महंगाई बढ़ गई? बहुत बहुत ज्यादा ही महंगाई बढ़ चुकी है। नहीं कहती है 10 का 100, 100 का 200, और क्या बताएं, हर सामान का दाम बहुत है। लेकिन हम लोग को भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, उन लोगों को भी करना है, तो हम लोग भी कर रहे हैं। तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, खूब दीपावली मनाना है धूमधाम से। क्या क्या का समय है तो सब लोग दीपावली की ही शॉपिंग करेंगे, रंगोली वगैरह, दिया दीप, यही हम लोग ले रहे हैं। और क्या क्या तैयारी करनी है? और जो हम लोग लेडीज लोग का तो पहला काम होता है घर की सफाई, तो वो हम लोग कर चुके हैं, अब बस घर को थोड़ा रेनोवेट करके थोड़ा सा सजाना है, ताकि दीपावली में जैसे सब लोग लक्ष्मी माँ का इंतजार करते हैं, हम लोग भी इंतजार करेंगे कि लक्ष्मी माँ आ आए। बिल्कुल। तो चलिए लक्ष्मी माँ, क्या तैयारी चल रही है घर पे? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, बहुत मजा। और हर साल हम लोग यहीं पर आते हैं हाईकोर्ट के पास मार्केटिंग के लिए, रंग बिरंग की सामानें मिलती है, मन खुश हो जाता है, लगता है सारा मार्केट का सामान लेकर के घर पहुंचा दे। लेकिन महंगाई है। ठीक है, उन लोगों का भी तो पेट भरना चाहिए, महंगाई है तो पैसा हम लोग का बढ़ रहा है, तो ये दाम में भी तो बढ़ेगा। आवश्यकता के अनुसार जो है सामान को खरीद रहे हैं, दीपावली अच्छी तरह से मनाई जाए इसको लेकर हर कोई मार्केट में आया हुआ है। लेकिन इस बार दीपावली पे महंगाई की मार साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि जो सामान है उसकी कीमत आसमान छू रहे हैं। कैमरा अभिषेक के साथ रूपेन श्रीवास्तव, जी मीडिया। सिवान में दीपावली पर्व को लेकर विभिन्न प्रकार की रंगोली से घाट को सजाया गया है। छात्राओं द्वारा शहर के शिववृत्त घाट पर रंगोली बनाई जा रही है, जिसमें छात्राओं ने कोलकाता ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप कांड को लेकर रंगोली के माध्यम से नारी शक्ति का संदेश दिया है। और इसके साथ ही अयोध्या राम मंदिर को कलरफुल बनाया गया है, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रंगोली से मां लक्ष्मी, राम और सीता का चित्र बनाकर उसे रंगों से भरा जा रहा है। अलग अलग थीम पर घाट पर रंगोली बनाई जा रही है। रंगोली के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सिवान में दीपावली के आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसी क्रम में छठ घाट पर बच्चियों ने काफी मनमोहक रंगोलियां बनाई है, और रंगोली के माध्यम से कई चीजों को दर्शाया गया है। साथ ही बंगाल में जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ रेप कांड हुआ, उसको भी लेकर रंगोली के माध्यम से दर्शाया गया है, और इसमें साफ तौर पर दिखाया गया है। और एक स्लोगन के साथ बच्चियों ने बताया है कि लड़की को सीता नहीं अब काली बन के जीना होगा, वही फिर दरिंदगी का शिकार हुई मासूम। कहीं ना कहीं इस रंगोली के माध्यम से इस कांड को लेकर दर्शाया गया है, और जो नारी शक्ति है उसको मजबूती देने को लेकर प्रयास किया गया है। कुछ बच्चियां हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ उद्देश्य है इसका। ये लड़कियों को जागरूक करने के लिए बनाया है, ताकि लड़कियों पे बहुत सारा अत्याचार होता है, तो अब जैसे बहुत सारी लड़कियां जो बोल नहीं पाती हैं, तो उनको हम लोग ये मतलब दर्शाए हैं लोग दिखाने के लिए,
तो उन लोगों को चुप नहीं रहना, उन लोगों को सीता नहीं बनना है, उनको अब काली बन के जीना होगा। और समझे कि हाँ हम लोग जी सकते हैं अच्छे से और रह सकते हैं इस दुनिया में, हम लोगों को भी कुछ हक है, लड़ सकते हैं किसी भी लड़के से। अब चुप नहीं रहेंगे, अब बिल्कुल चुप नहीं रह सकते हैं, इसी वजह से हम लोग बनाए हैं कि लड़की देखे और समझे, इसी की वजह से, इसी माध्यम से। जो बच्चों ने अपने सृजनात्मकता का जो परिचय दिया है इस जो लड़की वाला जो बनाया गया इसके माध्यम से, एक बहुत बड़ा संदेश भी समाज को दे रहा है कि समाज में आज के डेट में जो नारी है उसके अंदर विश्वास होना चाहिए और उसको तमाम जो चुनौतियां सामने आती है उसका भी वो निराकरण करके और सामना करके और आगे बढ़ सकती है समाज में, उनको अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा। तो रंगोली के माध्यम एक सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा उसके माध्यम से जो संदेश का जो ये दिया जा रहा है बच्चों के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है। अलग अलग जो वस्तु है उसके द्वारा यहाँ पर रंगोली को सजाया गया है, पूरे घाट को रंगोलियों से सजा दिया गया है और ये जो नजारा है काफी मनमोहक दिख रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित सिंह, जी मीडिया, सिवान। दीपावली को लेकर कुम्हारों के चाक की गति तेज हो गई है। इस बार दीपावली और छठ महापर्व को लेकर मिट्टी के दीपक, धूपदानी, हाथी, गणेश, लक्ष्मी के मूर्ति समेत अन्य सामानों की बिक्री इस बार काफी बढ़ गई है। पहले जहां सस्ता के चक्कर में लोग चाइनीज लाइट्स लगाते थे, वहीं इस बार चीनी लाइट छोड़कर मिट्टी के दिए की ओर रुझान बढ़ गया है। हालांकि महंगाई का असर बाजार पर दिख रहा है। दीपावली और छठों को लेकर समाज के हर वर्गो में उत्साह का माहौल है। हम अभी हैं कुम्हार बस्ती में, बनियापुर है। ये देखेंगे तस्वीरों में कि लगातार ये जो चाक की गति है ये तेज हो गई है और दीप बनाने का काम जो है ये अब अपने चरम पे है। कारण ये है कि दीपावली दो चार दिनों के बाद है और इसके बाद तुरंत लोक आस्था का महापर्व छठ है, जिसमें कोसी भरने वाले कलश, ढकने, दिए, धूपदानी और खिलौने, यह मिट्टी के शुद्ध रूप से मिट्टी का बनाया हुआ और कुम्हारों का बनाया हुआ जो है ये शुद्ध माना जाता है और पूजा पाठ में इसे ही यूज किया जाता है। जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं होती है कि मिट्टी के पांच दिए भी वो जरूर जलाएंगे। और बाजारों में चाइनीज लाइट भी जैसे बहुत सारा आ गया है, इसको लेके जो परंपरागत इस पेशे से जुड़े लोग हैं हम इनसे बात करेंगे। आप ही बताइएगा कि आप लोगों का ये जो काम है चाइनीज जो दिया बाजार में आया है उससे कितना प्रभावित है ये? इससे बढ़िया है, उससे उससे ये बढ़िया बढ़िया है, शुद्ध है, हाँ शुद्ध है। मार्केट बिक्री में प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं, प्रभाव नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, नहीं। मैं दीपावली में, दुर्गापूजा में सब लगता है। परेशानी तो होते बा मगर का मिला मिट्टी पहले ऐसा का अमित का खरीदे का पड़ता भी हो कितना महंगाई बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। अरे एक टेलर माटी का 4,000 रुपया लगता है, फिर अपना दिन भर मजदूरी मेहनत करने में 3 आदमी लगता है। पहले जो मिट्टी फ्री में इन्हें मिल जाती थी अब उसके लिए भी इन्हें पैसा देना होता है और बाजार में जिस तरह से प्रतिस्पर्धा है उसको लेके बाजार को भी टक्कर देना है। कुल मिला जुला कर आप ये समझें कि दीपावली और छठ को लेके गुलजार हुआ इस कुम्हार बस्ती में जो है, लोगों की खुशी जो है छठ और दीपावली को लेकर होती है और छठ दीपावली में शुद्धता के चलते आज भी मिट्टी के दीयों की मांग बरकरार है, जिसको लेके इन्हें रोजगार तो मिल जाता है लेकिन अस्थायी रूप से कोई रोजगार नहीं होने से यह वर्ग जो है परेशान है और यह कला जो है ये दम तोड़ने के कगार पे है। सरकार को चाहिए कि इस कला के संरक्षण के लिए ऐसे जो कलाकार हैं या कुंभकार हैं उनको प्रशिक्षित करें और उनके रोजगार के इंतजाम करें जिससे कि इनका परिवार के भरण पोषण भी ठीक ठाक से हो सके। कैमरा पर्सन विशाल के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। भागलपुर में इस दिवाली में भी मोदी लड्डू चर्चा में है। शहर के मिठाई व्यवसायी लालू शर्मा ने खास तरीके से मोदी लड्डू बनाया है। एक मोदी लड्डू 250 ग्राम का है। इसे गुलाब जल, गंगा जल, केसर पिस्ता, घी, बूंदी से तैयार किया गया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तभी पहली बार मोदी लड्डू तैयार किया गया था। इस वर्ष भी इस उत्साह को कायम रखते हुए खास लड्डू को बनाया गया है और इसको बनाने में सभी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। लालू शर्मा ने इस खास मोदी लड्डू को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भेजा है। खास के साथ ही हजारों जरूरतमंदों के बीच ये मोदी मिठाई बांटकर उनकी दिवाली को भी खुशहाल बनाने की तैयारी है। खिलाते हैं और वही खास बात होती है और हम लोगों से हमेशा कहते भी हैं कि आप आइए और ये लड्डू है वो मोदी लड्डू, ये खाइए, चखिए। इसमें
कोई भी रंग का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे ये केसरिया है तो इसको गुलाब जल में केसर को रगड़ के रंग बनाया गया है, ये गुलाब पत्ती से बनाया गया है। पिस्ता है, बादाम है, केसर है, गुलाब जल है, गुलाब इत्र है, बेसन है और चीनी है। इसका गंगा जल चूंकि हम लोग को तो भागलपुर में गंगा वाटर ही सप्लाई है और उसको हम लोग मिनरल करके और गंगा जल का जो पानी का जो उपयोग होता है तो हम लोग तो ऐसे भी भागलपुर में जो लोग सरकारी पानी का प्रयोग करते हैं उनको गंगा जल ही आता है। बेगूसराय में हर तरफ त्योहारों की धूम दिख रही है। दीपावली को लेकर बाजार भी पूरी तरह से सज चुकी है। आज धनतेरस है और बाजारों में धनतेरस को लेकर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। सुबह से ही बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ी है। दिए और जगमगाती लाइटों से बाजार पूरी तरह से रोशन दिख रहा है। दुकानदारों की माने तो हर साल के मुकाबले इस साल लोगों की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। इस बार दुकानदारों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। बेगूसराय में दीपावली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दीपावली को लेकर बाजार भी सज चुकी है। इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय के मेन मार्केट में। मैं वो तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से दीपावली को लेकर बाजार सज चुकी है, लोग जमकर खरीदारी भी कर रही है। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं किस तरह से दीपावली के अवसर पर दुकान पूरी तरह से सज चुकी है, लोग जमकर खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं दीपावली को लेकर पटाखे की दुकान भी सज चुका है। और यहाँ पर तस्वीर पहले मैं दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं गणेश जी और लक्ष्मी माता का, जो दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी माता जी का पूजा होता है उसका भी मूर्ति का भी दुकान पूरी तरह से सज चुका है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह है और किस तरह से जमकर लोगों के द्वारा बाजार में खरीदारी की जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ। क्या है आज? आज दीपावली है, धनतेरस है। धनतेरस किस तरह से बाजार में रौनक है? रौनक तो बहुत अच्छा है और ये हर्षो उल्लास का त्योहार है। क्या खरीदने के लिए आए? तो सामान सब धनतेरस में जो खरीदा जाता है सामान जो है वही सब खरीदने रहे। बहुत अच्छी मनती है हम लोगों को, बहुत महापर्व माना जाता है इनको और हम लोग हर्ष उल्लास के साथ बहुत अच्छी ढंग से मनाते हैं। खरीदारी कर रहे हैं? खरीदारी बहुत आज बहुत जम के खरीदारी होगा। लोग अपना खरीदारी करने के लिए अब निकलेंगे। अभी थोड़ा भीड़ कम है, उसके बाद उत्साह अपने दिखाई पड़ेगा। एक बजे काफी खरीदारी हो रही है। हाँ, भीड़ है बाजार में? बाजार में भीड़ आएगी, एक बजे के बाद आएगी। अभी भी भीड़ है लेकिन ये रोड थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है इसलिए भीड़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत उत्साह है सर, आज तो धनतेरस है, सब आदमी हंसी खुशी से सामान ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, दीपावली मनाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत भीड़ होगा। हाँ, अभी तो धीरे धीरे, अभी तो टाइम ही हुआ है मार्केटिंग का शुरू है, 12 बजे शुरू हुआ है, 12 बजे 1 बजे रात तक शुरू रहेगा। मार्केट में अभी बहुत भीड़ रहेगा। प्रमोद जी नाम है। बिल्कुल, आपने सुना, लोगों का साफ तौर से कहना है कि दीपावली को लेकर लोगों में एक तरफ जहां काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और आज धनतेरस है, धनतेरस को लेकर बाजार भी पूरी तरह से सज चुका है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का ये भी कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह दीपावली को लेकर है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। धनतेरस को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। आमतौर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ सोने चांदी के गहने खरीदने की परंपरा है, लेकिन छपरा में धनतेरस पर बाजारों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकानों पर भी खरीदारों की भारी भीड़ दिख रही है। मोबाइल कंपनियों के द्वारा भी त्योहारों को लेकर बंपर ऑफर दिए गए हैं। नगर पालिका चौक के मोबाइल मंडी में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। बाजार का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। आधुनिक जीवन शैली में मोबाइल हमारा महत्वपूर्ण एक अंग बन चुका है और इसका असर अब ये है कि धनतेरस जैसे मौके पर भी मोबाइल के दुकानों में ग्राहकों की जो है भारी भीड़ उमड़ी है। कई तरह के ऑफ़र चलाए जा रहे हैं, कई ब्रांडों के जो है डिस्काउंट ऑफ़र के साथ कई तरह के ऑफ़र भी हैं। हम यहाँ के ग्राहकों से भी जानेंगे
कि आखिर मोबाइल ही पहली पसंद क्यों है। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग कि जैसे पहले धनतेरस में लोग धन वन खरीदता था, आधुनिक जीवन शैली में मोबाइल के दुकानों पे भीड़ दिख रहा है, क्या कारण? क्योंकि अब आपका सारा काम आपके मोबाइल पे है, आपको बैंक जाने के लिए मोबाइल में जाना पड़ेगा, आपको अपना स्टडी करने के लिए मोबाइल पे जाना पड़ेगा, अपना ऑफिस का वर्क करने के लिए मोबाइल पे ही जाना पड़ेगा, तो आपका लाइफ का पूरा दिनचर्या 90% मोबाइल से यूज होता है, तो लोग मोबाइल पे डिपेंडेंट हो गए हैं, तो मोबाइल को अपडेट। तेरस में कई तरह के ऑफर्स और गिफ्ट भी आपके यहाँ क्या खास? मेरे यहाँ कि आप ई कॉमर्स साइट पर रेट देख लीजिए, उससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, गारंटेड है। प्लस एक मोबाइल पर दो गिफ्ट से लेकर 10 गिफ्ट तक है, गिफ्टों की बहुत छाड़ है। कुछ बच्चे हम इसे जानेंगे, क्या क्या खरीदने आए हैं? कौन सा फोन लिया? मोटोरोला G45। क्या लगा कि फोन ही आज लेना चाहिए धनतेरस के? मतलब हमको लगा शायद छूट मिले, तो मिला छूट, लिए फोन और गिफ्ट भी मिला साथ में। गिफ्ट भी मिला जी, छूट भी मिला जी। और लोगों से जानेंगे क्या क्या, ये जरा साहब बताएंगे, आप लोगों को धनतेरस के दिन लोग धन खरीदते, आप लोग मोबाइल क्यों खरीद रहे हैं? ये अपना अपना शौक होता है, गृहिणी लोग का, कोई लोग धन खरीदता है, कोई मोबाइल खरीदता है, सबका अपना अपना होता है। देखिए आधुनिक जीवन शैली में जिस तरह से लोगों के व्यवहार में कार्यों में बदलाव हो रहा है, तो स्मार्ट रहने के लिए न्यू मोबाइल जो है ये ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को देखते हुए मोबाइल कंपनियां जो है कई तरह के ऑफरों की बरसात धनतेरस के मौके पर की है, जिसका फायदा जो है ग्राहक खूब उठा रहे हैं और मोबाइल के दुकानों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया छपरा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।